किन्नर एक रहस्यमयी दुनिया। किन्नर के रूप में भारतीय संस्कृति को शिखंडी और ब्रह्मलला जैसे चरित्रों ने गौरवान्वित किया है। किन्नर जो हमारे हर सुख और दुख में शामिल होते हैं, जिनकी दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। ऐसे किन्नरों के लिए अखिल भारतीय किन्नर समाज द्वारा धामनौर शहर में एक विशाल सम्मेलन का भव्य और ऐतिहासिक गरिमामय प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन 14 से 28 दिसंबर के बीच अपने बृहद समृद्ध सांस्कृतिक स्वरूप में हो रहा है, जो नगर के लिए बड़े गौरव की बात है। जानकारी के अनुसार विश्व शांति के लिए गुरुमा चंचल नायक द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम में मेले जैसा माहौल दिख रहा है। उच्च स्तर के कार्यक्रम में विशेष टेंट, लाइटिंग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। जमीन से करीब 1.5 फीट ऊपर बैठक बनाई गई, वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया, मेहमानों के रुकने और ठहरने से लेकर भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। वहीं किन्नर समाज की कई बड़ी हस्तियां और कई बड़े जनप्रतिनिधि भी अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, जिसमें देश विदेश से 5000 से अधिक किन्नरों के कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जानकारी देते हुए समाज की सोनाली दीदी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य विश्व शांति के लिए हो रहा है। नगर में होने वाला यह कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से किन्नर शामिल हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में महामंडलेश्वर भवानी माँ का आगमन हुआ, जिन्होंने विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया है। सभी किन्नरों ने पूजा पाठ हवन कर दुआएं कर रहे हैं। कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य देश के लिए सुख शांति अमन चैन की दुआ, बॉर्डर पर लड़ रहे भाइयों व जो अनाथ हैं जिसका कोई नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत किया गया। इस आयोजन में धामनौर नगर के व्यापारियों और जनता ने भी तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया। इस सम्मेलन में पीर फकीर, राधा स्वामी व धर्म को मानने वाले सभी लोग शामिल होंगे। आयोजन में हवन यज्ञ के साथ साथ गुरु मां बनना व गुरु बहन बनाने का कार्यक्रम भी हो रहा है। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान रात्रि 8 से 10 बजे तक आमजनों के लिए धार्मिक, सामाजिक और ज्ञानवर्धक मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत 22 दिसंबर को निकलने वाली कलश यात्रा का नगर में जगह जगह स्वागत होगा, जो कार्यक्रम स्थल जनता परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए अंबिका देवी मंदिर परिसर पहुंचेगी। धामनौर नगर और क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह अद्भुत अवसर है, जिसे लेकर आम जन में भी बड़ी खुशी का माहौल है। मेरा नाम चंचल मोसी, गुरु चंचल मोसी, धर्मपुर धामनौर और तारे नगर वासी ने हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण कहना चाहती हूँ। थोड़ा जोर से। आप लोगों के द्वारा ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर ये कितने दिन का प्रोग्राम है और कितने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का है और 5000 से अधिक लोग आए हैं और सभी ब्रांच से आए हुए। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या क्या होना है और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं? इसमें विश्व शांति के लिए दुआ हो रही, हवन हो रहा, पूजा पाठ हो रही, सबके लिए दुआ कर रहे, नगर वासियों के लिए अच्छे शुभकामना कर रहे, सारे किन्नर लोग आए, सबके अच्छे के लिए दुआ कर रहे। आप लोगों के द्वारा भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, कब निकाली जाएगी? ये 22 सुबह 10 बजे से 3 बजे तक के। अच्छा, कितने लोग शामिल होंगे इसमें? इसमें होंगे 3000 से अधिक। अभी तक कितने आपके यहाँ आ चुके हैं? 5000 से ज़्यादा अभी। अच्छा, आपका इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? हमारा इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश के लिए सुख शांति अमन चैन के लिए दुआ कर रहे हैं, जो हमारे सैनिक भाई हों बॉर्डर पे लड़ते हैं उनके लिए, जो अनाथ रहते हैं, जो जिनका कोई नहीं रहता है, उनकी आत्मा की सुख शांति के लिए मौन व्रत करा हम लोगों ने और पूरी जनता के लिए दुआ शेष हो रही है। शाम को आपके यहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं आम जनता के लिए? हमारे समाज का पर्सनल कार्यक्रम चलता है, भात मायरे भरे जाते हैं, खुशी मनाते हैं, बहन बेटी आपसी में बनते हैं, यही होता है। और यहाँ पर जैसे लोगों के आने के लिए कब आपने छूट दी है? ये लोगों के आने के लिए शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक। आपका नाम कहाँ से आया आप? जय श्री महाकाल, मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडली उत्सव तंत्र साधक कामाख्या पीठ से दिल्ली से। आज जो इतना बड़ा धामनौर नगर में आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है और उसका क्या महत्व रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र ऐसा है
जिसमें प्यार और भक्ति बहुत ज़्यादा है। और मालवा शहर के जो किन्नर हैं हमारे समाज के, उन लोगों ने विश्व शांति के लिए ये सम्मेलन कराया है। और हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, और हमसे ज़्यादा समाज के लिए कौन पीड़ित होगा, क्योंकि खुशी मांगने वाले हमें। और आज जो ये हो रहा है वो ना हो, विश्व में शांति रहे, सब में भाईचारा बना रहे, और जिस तरीके से हमारा देश प्रकृति कर रहा है ऐसा ही करता रहे, इस उद्देश्य से ये पूजा रखी गई, पाठ रखी गई, क्योंकि शांति ही बहुत सबसे बड़ी चीज़ है। मानवता ही बचाना हमारा काम है, मानवता के लिए दुआ करी, मानवता के लिए पूरा जिंदगी हमने निछावर कर रखी, क्योंकि किन्नर एक संत है, उसने कभी अपने लिए नहीं मांगा, हमने हमेशा समाज के लिए मांगा। और समाज आपस में लड़ रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा बुरा, क्योंकि आंखों देखा मक्खी कोई नहीं खाता। और जिस किन्नर ने पैदा होने से पहले आपकी कामना करी है और वो उस चीज़ को देखता है कि आपस में आप लड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ को लेकर विवाद कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। ये युवाओं का देश है, 70% युवा रहते हैं इस देश में, और हमें जिस तरीके से आगे बढ़ना है तो ये छोटी मोटी बातें ख़त्म करके धर्म को और आस्थाओं को साथ लेके चलेंगे। कोई भी काम करेगा धर्म और आस्थाओं के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय श्री महाकाल, शांति बनी रहे देश में। बाकी हमारी ये है सलोनी जी, बाकी डिटेल सभी आप सोनाली। अच्छा, मैं धर्मपुरी धामनोद से हूँ। विश्व शांति के लिए हमारे गुरु चंचल नायक, चंचल मौसी, इन्होंने ये कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में हमारे महामंडलेश्वर भवानी माँ आ रहे हैं और इन्होंने हमारे इसके लिए एक विश्व शांति हवन आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के लिए धामनोद के बहुत लोगों ने अपना बहुत तन मन धन से हमारे लिए तैयार रहे, उनके पहले हम आभार मान रहे, उनके लिए अच्छी दुआएं कर रहे। यहाँ कितने लोग आए? इधर 5,000 से अधिक। कहाँ कहाँ से आए होंगे? ऑल ओवर इंडिया से आए। अच्छा, कोई कलकत्ता, कोई दिल्ली। आपके द्वारा बहुत बढ़िया पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य रहेगा इसका, कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वो कलश यात्रा का उद्देश्य है कि गांव के धरती पर सब किन्नरों के कदम पड़े। अच्छा। वो कदम पड़ने से धरती पवित्र हो जाए। किधर से किधर निकलेगी यात्रा? ये जनता जी से देवी जी मंदिर, वापस रिटर्न देवी जी मंदिर से जनता जी। चार कलश है हमारे, चार कलश यात्रा निकलेगी। कितने लोग इसमें शामिल होंगे? इसमें 2,000 करीबन।